Fourth is again a simple and object type question. Find the multiplicative inverse. हमें यहाँ पर अभी इससे पहले हमने क्या निकाला था? Additive inverse. अब हमें क्या निकालना है? Multiplicative inverse. Multiplicative inverse क्या होता है? कि जो भी number है उसका multiplicative inverse find करो, उन दोनों को multiply करो, तो result में क्या आना चाहिए? One, right? Question number four. Find multiplicative inverse of the following. ठीक है, first is minus 30. सबसे पहले हम multiplicative inverse, let's say the rational number is a, इसका multiplicative inverse होगा 1/a. जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, हम रेसिप्रोकेट कर देंगे. पहचान ये होगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? वन. नंबर्स ले लेते हैं, लाइक आई हैव अ नंबर -1/2 एंड आई नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, वो क्या होगा? -2/1 मीन्स रेसिप्रोकेट हो जाएगा. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई अगर करें तो हमें 1 मिलना ही चाहिए. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 एंड -1 विल गिव यू +1. हमने मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या किया? सही निकाला. मल्टीप्लिकेट इनवर्स की आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई. अब हम सारे क्वेश्चन का इनवर्स निकालेंगे. आवर क्वेश्चन इज -30. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -13/1 is reciprocate हो जाएगा 1/, either you can write -13 और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं. Both have same meaning और मैंने आपको just अभी इससे पहले property के through बताया. तो क्या हुआ? हमने numerator को denominator बना दिया, denominator को numerator means reciprocate कर दिया. एक check method लगा ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए. देखिए 13 से 13 कैंसिल हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 1. ठीक, सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सेकेंड इज -13/90. हियर वी हैव न्यूमरेटर ऑल्सो एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो, तो और इजी हो जाएगा इसे करना. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. इसको हम आइदर ऐसा और ऐसा, बट जनरली हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते, तो हम इसको प्रिफर करेंगे. बाकी बोथ हैव सेम मीनिंग. अगेन आप इनको मल्टीप्लाई करके देखना, वो रिजल्ट में क्या देना चाहिए? 1. ठीक है, थर्ड इज 1/5. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/1. सिंपल. फोर्थ इज -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7. सबसे पहले ये क्वेश्चन जो फोर्थ है इसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब दो पार्ट दिया हुआ है, तो पहले तो हम नंबर बनाएंगे. वी डोंट हैव रैशनल नंबर, तो हम इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल रैशनल नंबर में. अब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे? -5 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 8 और 7 है. अभी सिंप्लीफाई होगा ये, सो इट विल गिव यू 15/56. Now we will find the multiplicative inverse of this. तो आप लिखेंगे multiplicative inverse of 15/56 is, denominator कहाँ आ जाएगा? Numerator में, and numerator will goes to the denominator. तो मल्टीप्लीकेट इनवर्स क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 56/15. बट ये कहां से आया? पहले हमको क्वेश्चन को क्या करना पड़ा?
सिंप्लीफाई करना पड़ा, ठीक है। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 1। नाउ अनदर इज माइनस 1 फिफ्थ पार्ट, माइनस 1 इंटू माइनस 2 बाय 5। अगेन ये सिंप्लीफाइड नहीं है तो पहले से हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 एंड माइनस 2 विल गिव यू 2/5। नाउ यू विल राइट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज रेसिप्रोकेट हो जाएगा 5/2, सो योर आंसर विल बी 5/2। एक और क्वेश्चन है शायद माइनस 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, सिक्स्थ क्वेश्चन इज माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं कर रही हूं, अदरवाइज तो माइनस 1 ही इसका आंसर होगा। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर दिया, सो आपके पास क्या आया, 1/-1 एंड फाइनली इट इज इक्वलेंट टू माइनस 1, क्योंकि 1/-1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1। इसको हम प्रूफ भी करके देखेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। नंबर है माइनस 1, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आया है, माइनस 1। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 एंड माइनस 1 विल किए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन रहा है इसलिए मैंने आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाया। सो दिस वॉज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या था, साइन चेंज होता है, जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट साइन, और उन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जस्ट दूसरी प्रॉपर्टी है, जो भी नंबर दिया है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, साइन चेंज नहीं कर रहे यहां पर हम, यहां क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये आप खूब प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। सो दोस्तों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इन दिस वी हैव टू टेल नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 एंड थर्ड पार्ट इज -4/5। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5। यहाँ तक तो क्या क्या इनने प्लेस चेंज करी, a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, बट फाइनली इट इज गिविंग रिजल्ट -4/5। मीन्स 1 का मल्टीप्लाई करने से रैशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, रैशनल नंबर क्या था, -4/5। उसमें जब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया या 1 को मल्टीप्लाई किया -4/5 से, बो इन द बोथ केस इट इज गिविंग द रिजल्ट -4/5। मीन्स रैशनल नंबर इज एज इट इज, साइन भी वैसा की वैसा ही है, नंबर भी वैसा की वैसा ही है। ऐसे कौन सी चीज होती है प्रॉपर्टी जिसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करें नंबर एज इट इज होता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम यहां पर क्या बोलेंगे, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मीन्स 1 इज एक्टिंग एज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
जिसको किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने से नंबर इटसेल्फ ही रिजल्ट में मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा हमें प्रॉपर्टी बतानी है, और प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए मुझे आपको ये सब बताना पड़ रहा है। वन को किसी भी नंबर से, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी रैशनल नंबर इटसेल्फ। इन दैट केस वन इज एक्टिंग एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसा ही एक प्रॉपर्टी और होता है, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें तो आंसर विल बी रैशनल नंबर इटसेल्फ। बट हेयर इन दिस केस जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर हम जीरो को ऐड कर रहे हैं, वहां पर हम वन को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू। सेकेंड क्वेश्चन इज माइनस 13 बाय 17 माइनस 2 बाय 7 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 13 बाय 17। यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, a इंटू बी मीन्स रैशनल नंबर, लेट से एक a है और एक b है, इनकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, इसको आगे इसे पीछे कर दिया, देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज द साइन इज मल्टीप्लीकेशन। वी कैन आइदर वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इन द सेकेंड क्वेश्चन द प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव, ठीक है, विटी, राइट, सिंपल है, प्रॉपर्टी बतानी है, बट उसको आपको क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करके बतानी। थर्ड इज माइनस 9, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 19 बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29 बाय माइनस 19 इज गिविंग यू रिजल्ट 1। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय अनदर नंबर एंड इफ इट इज गिविंग अ रिजल्ट 1, दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी तो हमने इस पे बेस 5-6 क्वेश्चन किए, ये रैशनल नंबर था, देखिए इसका ये लाइक ए बाय बी था, इसको हमने रेसिप्रोकेट किया हुआ, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर हमारे पास 1 आए, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, सो यहां पर आप क्या नाम लिखेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, राइट। सो 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तीनों हमने सॉल्व किए, किसी में कोई प्रॉपर्टी लग रही थी, किसी में कोई प्रॉपर्टी, वो हमें यहां पर बताना था, राइट। सो 5th वी हैव सॉल्व, नाउ अनदर वन इज मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लाई 6 बाय 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाय 16। मीन्स यहां पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं कहा है, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाय 16। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड द रेसिप्रोकल। सो हम यहां पर पहले ही सॉल्व कर लें, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाय 16 इज 16 बाय माइनस 7, और यू कैन राइट माइनस 16 बाय 7, बोथ है सेम मीनिंग, मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, सो नाउ यू आर कंफर्टेबल। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 6 बाय 13 को माइनस 16 बाय 7 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल गिव यू आंसर 16 6 96 एंड डिनोमिनेटर 13 7 91। बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बट वर्ड को ध्यान रखना है कि हमें इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके रेसिप्रोकल से करना है। ठीक है, सो योर आंसर इज माइनस 96 बाय 91। सेकेंड इज, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, सेकेंड नहीं सॉरी 7th क्वेश्चन, द क्वेश्चन 7 इज टेल द प्रॉपर्टी, टेल what
property allows you to continue you to compute क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई बाय देयर इज अ वन ब्रैकेट इन दिस 6 × 4/3 एस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऐसा लिख सकते हैं ध्यान से देखिए इसको नंबर सारे सेम है इस पार्ट में एंड इस पार्ट में ऑल नंबर्स आर सेम लाइक इधर हेयर इज ऑल्सो 1/3 हेयर इज ऑल्सो 1/3 6 भी है 4/3 भी है बट द प्लेसेस आर चेंज ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है एसोसिएटिव ए इंटू बी इंटू सी और यू कैन राइट ए इंटू बी इंटू सी आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल रिमेन सेम देयर विल बी नो इफेक्ट जबकि हमने इनकी पोजीशन क्या कर दी है चेंज कर दी है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा एसोसिएटिविटी नाउ अनदर क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इज 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट मीन्स हमें नहीं पता कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है बट है तो क्यों एंड नहीं तो क्यों ठीक है वी नीड टू शो 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडियली होना चाहिए 9/8 बट हेयर दे हैव गिवन -1/1/8 सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज इट इज इन मिक्स न्यूमरल जब भी हमारे पास मिक्स न्यूमरल है तो हम उसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास एक्चुअल रैशनल नंबर आएगा सो मिक्स न्यूमरल में सॉल्व करने का क्या तरीका होगा -1 × 8 +1 अपॉन डिनोमिनेटर सो इट विल गिव यू माइनस दिस -7/8 ठीक है अब हमारा जो क्वेश्चन था 8/9 एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज -7/8 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें इट शुड गिव द आंसर 1 बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी सेज इफ वी हैव अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1 यहां हम करके देखते हैं 8 से 8 तो कैंसिल हो रहा है बट इट इज गिविंग फाइनली -7/9 विच इज नॉट इक्वल टू 1 एंड हमें आना क्या चाहिए था इट दिस शुड बी इक्वल मीन्स दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 सो दे हैव आस्क्ड व्हाई और व्हाई नॉट तो हमने उसका रीजन दे दिया इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज इट इज नॉट गिविंग अ रिजल्ट 1 व्हेन वी मल्टीप्लाई विद दीज टू नंबर्स राइट क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल बट आपकी प्रॉपर्टी रिकॉल के लिए सारे क्वेश्चन हमें आपको करा रहे हैं ठीक है Now, 9th is almost the same. अब थोड़ा सा डेसिमल में दिया हुआ है देखिए कैसा क्वेश्चन है इज 0.3 और यू कैन से 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 अगेन इट इज Y और Y not ठीक है हमने 5 का लिया 6, 7, 8 नाउ आई एम परस्यूइंग 9th फ्रैक्शन दिया है
3, 1 by 3. इसको मिक्स न्यूमरल है, सॉल्व करेंगे 3 3 9 and 1 10 by 3, राइट। 10 बाय 3 हमारा रैशनल नंबर है, सो आइडियली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 बाय 3 इज 3 बाय 10, बिकॉज इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल गिव रिजल्ट 1, राइट। नाउ बट दे हैव गिवन 0.3, तो हम इसको पहले डेसिमल हटाएंगे, चेक करेंगे फाइनली क्या बन रहा है, 3 बाय 10। सो हमने आइडियली इसको सॉल्व करके देख लिया है, 10 बाय 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 3 बाय 10, एंड 0.3 इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 3 बाय 10। सो वी कैन राइट 0.3 और 3 बाय 10, यस 0.3 और 3 बाय 10 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ inverse of 10 by 3, because हम इन दोनों को जब multiply करेंगे so the product is 1, so the product is 1, ठीक है। बहुत ही simple सा question था। 10th question is, question number 10th is, ऐसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट वी नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशन, राइट। फर्स्ट इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर हमें बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, क्या होगा ऐसा नंबर, जल्दी बताइए, सोचिए। 0, आंसर इज 0। 0 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। 0 जो है इसका रेसिप्रोकल हम 1 बाय 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि इट इज इक्वलेंट टू 0 एंड इट इज इक्वलेंट टू इनफाइनाइट नॉट डिटरमाइंड। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, 0 इज 0, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0। सेकेंड इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर, ऐसे नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। सोचिए क्या होंगे, 0 तो ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, लेट्स से 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसको हमने चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, स्टिल इट इज 1, तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। तो एक आंसर इसका होगा, आंसर इज 1। एक और केस होगा -1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हमने क्या कर दिया 1 लगा दिया, अब इसका हमने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल ऑफ -1 by 1 is 1 by -1। मैंने आपको जैसा बताया आप इसे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1 is -1, सो यहां पर कितने केस हो गए, 2, योर आंसर इज 1 and -1। सो सेकेंड पार्ट जो है इसके 2 आंसर आए, 1 and -1। थर्ड इज फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू
एड्स नेगेटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट से हमने कोई नंबर लिया, वन ले लीजिए, टू ले लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं। हमने वन लिया, टू लिया, वन का नेगेटिव क्या होगा? माइनस वन। टू का नेगेटिव क्या होगा? माइनस टू। राइट, इज वन इज इक्वल टू माइनस वन? नेवर, बिकॉज ऑन नंबर लाइन माइनस वन यहां आएगा एंड वन यहां आएगा। हाउ दे विल बी इक्वल? वन एंड वन की, माइनस वन की बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। सिमिलरली टू एंड माइनस टू इक्वल होंगे? नहीं। अब आप कहेंगे मैम कोई नेगेटिव नंबर ले लीजिए, लाइक आई एम टेकिंग माइनस फाइव। इसका नेगेटिव क्या होगा? फाइव। अगेन दे आर नॉट इक्वल। ऐसा नंबर हमें चूज करना है जिसका नेगेटिव उसके ही इक्वल हो। देयर इज ओनली वन नंबर, उसका नेगेटिव भी क्या होगा? जीरो ही होगा। एंड दे बोथ आर इक्वल। देयर इज ओनली वन केस इन विच द नंबर एंड इट्स नेगेटिव दे बोथ आर इक्वल, दैट इज जीरो। जीरो को छोड़ के आप कोई भी क्वेश्चन लें, कोई भी नंबर लें, उसका नेगेटिव पहले फाइंड करें और देखें क्या वो इक्वल होगा? कभी नहीं, ठीक है। तो ये तीन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बट ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे और पर्पस ये है कि यू कैन बी फ्रेंड ऑफ द रैशनल नंबर, ठीक है। ये हुआ हमारा टेंथ क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व टेंथ। सो इलेवेंथ क्वेश्चन इज एसच, तो इट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, बट आपको सोच के उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। जीरो हैज, क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट इज फर्स्ट, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। जीरो का रेसिप्रोकल जीरो, लेट्स से इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हमने क्या किया? वन किया। इसका रेसिप्रोकल किया तो वन अपॉन जीरो हो गया। ये जो होता है इट इज इक्वल टू जीरो, एंड ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिटरमाइंड है। इट इज इक्वलेंट टू इन्फिनिटी, मीन जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डिटरमाइंड। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। बहुत ही छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स है, बट थ्योरी क्लियर करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे नंबर जिनका रेसिप्रोकल भी वो की वही होगा, कौन से ऐसे नंबर होंगे? अभी हमने सॉल्व किया था वन एंड माइनस वन, ऐसे नंबर हैं। वन का रेसिप्रोकल विल बी वन एंड माइनस वन का रेसिप्रोकल विल बी माइनस वन। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? वन एंड माइनस वन, ठीक है। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज वन बाय माइनस फाइव। यहां पर हमें भरना है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज व्हाट? माइनस फाइव, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? वन है। इसको रेसिप्रोकेट करें, न्यूमरेटर बनाए एंड डिनोमिनेटर। आइदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस वन बाय फाइव, वेरी सिंपल। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, कोई भी दो रैशनल नंबर जिनका हम प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख लीजिए, लाइक आई एम टेकिंग माइनस वन एंड टू बाय फाइव। लेट से वी आर मल्टीप्लाइंग दिस, सो इट विल गिव यू माइनस टू बाय फाइव, विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। बहुत सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? अगेन
The product of two rational number is rational number. The last is the reciprocal of positive rational number. Positive rational number is always, ठीक है? आप यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहा है, तब आप नेगेटिव कुछ भी नहीं लेंगे, लाइक आई एम टेकिंग 3/5, इसका रेसिप्रोकल हमने किया तो क्या होगा 5/3, कुछ भी ले लीजिए, लाइक 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1, एक और ले लीजिए लाइक 7/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6/7, ऑल आर कमिंग पॉजिटिव रैशनल नंबर, जितने भी हमने पॉजिटिव लिए तो उनका रेसिप्रोकल भी क्या आ रहा है पॉजिटिव. So here they ask the reciprocal of positive number is positive, right? So these are the fill in the blanks. Students, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बहुत छोटे हैं तो मैम क्यों करा रहे, बट इनसे हमारी पूरी प्रॉपर्टीज एक तो रिकॉल हो रही, जितनी थ्योरी हमने पढ़ी वो रिकॉल हो रही है, एंड यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर विल ऑल्सो बिकम फ्रेंड ऑफ योर्स. If you learn small, small things and if you keep in your mind and your basics are clear, then this chapter is very, very, very easy and scoring chapter. इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, कोई बड़े बड़े steps नहीं है, but simple सी छोटी छोटी properties है जिनके base पे आप full score कर सकते हैं. एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, आपका NTSC एग्जाम्स, उसमें भी रैशनल नंबर पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट आप जब ही सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इस सारे रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी अगर याद हो तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है?